हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो मजेदार सी चटपटी सी कुरकुरी सी कढ़ाई सी रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और इसे हम बनाएंगे बिना बेसन बिना सूजी के, हम इसे बनाएंगे कच्चे केले से। वैसे तो आपने केले की बहुत सारी रेसिपी खाई होंगी, लेकिन गारंटी के साथ बता रहे हैं ये रेसिपी खाना तो दूर की बात है, आपने पहले कभी देखी भी नहीं होगी। जितनी ज्यादा टेस्टी उससे ज्यादा हेल्थी है, और तीसरी बात कम तेल की है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मैंने केला लिया है, जो वेट है हमारा 250 ग्राम है और संख्या में 5 केले हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम केले को छीलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे और उसके ऊपर हम केले को इस तरह से रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें केले के छिकले को फटाफट निकाल लेना है। तो चलिए इसको छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए इस तरह से सारे केले को मैंने छील लिया। अब इसको हम तुरंत पानी में डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी काले पड़ जाते हैं। और इस तरीके से हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग कैसे करनी है आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आपको इसे बहुत ज्यादा छोटा छोटा नहीं करना है, इस तरीके से गोल गोल स्लाइस में हल्का सा पतला पतला कट कर लेना। बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे केले छोटे छोटे थे, इसीलिए मैंने 5 लिए हैं। अगर आपके बड़े हैं तो आप सिर्फ 3 लेना। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने सारे कट कर लिए। अब सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से ट्रांसफर कर दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच दही, जो गाढ़ा और खट्टा होना चाहिए। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा सौंफ लिया है, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च ली है, इसको हम डाल देंगे। और अब इसको हम बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है, बिल्कुल अच्छे से पीस गया है। और यहाँ पे हमें इसको बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है, इस तरह से दरदरा रखना है। अब एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, उसके अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे हमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केले में खुद का पानी होता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया। अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, क्या क्या आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप जितना खाते हो उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। थोड़ा सा इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। तो ये गई हमारी हल्दी। अब इसमें हम डालेंगे दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून तक। और अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1/2 टीस्पून डाला है चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस ले सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा, बिल्कुल भी तीखी नहीं होगी। अब इसमें हम डालेंगे 2 पिंच हींग। हींग जरूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और थोड़ा सा इसमें जीरा और सरसों के दाने डालेंगे, जिससे लुक आ जाएगा। अब इसको हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तक ऑयल, जिसको हल्का सा गर्म करके डालेंगे, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए इसमें तेल गर्म करके डालते हैं। तो ये गया हमारा ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसकी जगह पे मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अरारोट का आटा डाल सकते हैं, या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो इससे इसको टेक्सचर भी अच्छा मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा मिलेगा। अब इसको बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो जब तक सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर समा नहीं जाते, तब तक हमें इसे नहीं बनाना है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल के इसको बना सकते हैं, लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं होगा। तो चलिए इसको हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, तब तक हम दूसरा काम करेंगे, इसे साइड में रख देंगे। फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे एक पैन लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून तक ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम एक मीडियम साइज के प्याज को, जो हमने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, इसको डाल देंगे। और प्याज को हमें बिल्कुल हल्का सा लाइट कलर आने तक पकाना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। 10 से 15 सेकंड इसको भून लेंगे इस तरीके से। और अब इसमें हम डालेंगे 1 साबुत खड़ी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च। अगर आप कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 2 डालना,
अब इसको भी हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 5 कलियां लहसुन की। तो यहाँ पे देखिए 5 कलियां लहसुन की डाल के इस तरीके से हमें 10 से 15 सेकंड इसको अच्छे से कुक कर लेना है। तो अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। फिर इसमें हम 2 चम्मच मूंगफली डालेंगे, जो कच्ची मूंगफली होनी चाहिए। यहाँ पे हमने मूंगफली को कपड़े से पोंछ के लिया, भिगो के नहीं दिया है। अगर आपके पास मूंगफली ना हो तो आप नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर तिल भी ले सकते हैं, सफेद तिल का इस्तेमाल करना। अब इसको 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, ताकि मूंगफली हमारी हल्की सी भुन जाए, बहुत ज़्यादा जलानी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 सेकंड हो चुका है मूंगफली को भूनते हुए। मूंगफली पे हल्की हल्की सी चिट्टी आ गई है, बस बहुत ज़्यादा काला नहीं किया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर, जो लाल होना चाहिए, ना इसके बीज निकाले ना ही जूस निकाले। अगर आपका छोटा है तो आपको दो लग जाएगा। तो टमाटर डालने के बाद हम इसको 10 मिनट 5 फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे, सिर्फ 10 सेकंड, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये देखिए इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इस तरह से हमें 10 सेकंड इसको पका लेना है। बहुत ज़्यादा इसको काला नहीं करना है और ना ही सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से टमाटर हमारे हल्के हल्के से सॉफ्ट होने लगे हैं। बस अब हम क्या करेंगे, गैस को फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा नहीं होगा हमें नहीं इस्तेमाल करना है। और टमाटर और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से रखना है। तो चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इतनी ठंडी हो गई कि हम इसे आराम से छुपा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्की सी गुनगुनी है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं। अब हम सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे और बिना पानी डाले हम इसको पीस लेंगे। ख्याल ये रखना है कि इसके अंदर पानी और नमक का इस्तेमाल नहीं करना है और इसका हमें बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। तो चलिए इसको बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है, क्योंकि टमाटर और प्याज में खुद का पानी होता है तो बिल्कुल अच्छे से पीस जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब इसको हम फटाफट ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अब इस पेस्ट को हम साइड में रख देंगे और अपने बैटर को चेक करेंगे कि उसको 2 से 3 मिनट हो चुका है रेस्ट पे रखे हुए। तो ये देखिए हमारा जो बैटर था बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है, सारे फ्लेवर बिल्कुल इसके अंदर समा गए हैं। अब बनाने के लिए हम इस तरीके से थाली का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो ट्रे भी दे सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं और इस तरीके से इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिंगर से किया है, आप चाहें तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सारा का सारा पेस्ट हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे हम हाथों से इस तरीके से निकाल लेंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से इसको हल्का हल्का सा फैला लेंगे चारों तरफ। तो आप जब इस तरीके से टैप टैप करेंगे हल्का सा, तो ये देखिए फैल गया। अब इसको इस तरह से 1 से 2 बार पटक दीजिए ताकि जो हवा वगैरह है वो निकल जाए। और इस तरीके से ये हो गया है। अब चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड देखिए पानी में उबालना शुरू हो गया, अब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे बहुत ही आराम से, ये देखिए। और अब इसको हम कवर करके 5 मिनट तक स्टीम करेंगे। ख्याल ये रखना है कि इसे मीडियम फ्लेम पर स्टीम करना है और बार बार खोलने की गलती नहीं करनी है। जब 5 मिनट के बाद बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो जाएगा तभी खोलना है, और गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं रखना है। तो चलिए 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे, 5 मिनट ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। वह गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने का इंतजार करेंगे, जब ठंडा हो जाएगा तब निकालेंगे। तो चलिए ठंडा कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छुपा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे, ये देखिए बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ आइए आपको बता देते हैं। तो इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह बनता है और खाने में आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है, अब आगे का काम करेंगे। फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ, यहाँ पे एक पैन लिया, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। और तेल को बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से पैन में फैला लेंगे, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से धुआंदार गर्म करना है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से अपने पीसेस को इसके अंदर डाल देंगे, जो बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है। और आप इस तरीके से इसको इंजॉय कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो ये देखिए इस तरीके से जितने आ पाएंगे उतने हम डाल देंगे। और अब इसको हम हाई फ्लेम पर 10 सेकंड कुक करेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं कुक करना है, क्योंकि अच्छे से स्टीम हो गए और 10 सेकंड में क्रिस्पी हो जाएंगे, तब इसको हम टर्न कर देंगे। तो आप चाहे इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं,
और यहाँ पे अब हम इसको इस तरह से पकड़ के हल्का सा टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हो गए हैं। देखिए इस तरह से मैंने टर्न कर दिया। अब इसको दूसरे साइड भी 10 सेकंड पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 20 सेकंड का टाइम लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है। ये देखिए तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। देखिए कितनी बढ़िया से क्रिस्पी लेयर आ गई है। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। जो हमारा बाकी बचा हुआ है उसको भी हम इसी तरीके से हल्का सा तल लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने सारे कर लिए। आप चाहे तो ऐसे ही चाय के साथ या फिर केचप के साथ या फिर मोमो चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर अलग होता है। और सारे नाश्ते आप भूल जाएंगे इस नाश्ते के सामने। तो यहाँ पर अब हम पैन में डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। और ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हम इसमें सरसों के दाने डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग। हींग जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को हटा सकते हैं। प्याज को हम हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे, बिल्कुल भी जलाएंगे नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से प्याज हमारी बिल्कुल लाइट सी पिंक हो गई है। तब इसमें हम क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे अपना ये पेस्ट जो हमने बना के रखा था। और इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का हमें फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से कुक करना है, जब तक कि ऑयल छोड़ना शुरू नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 सेकंड के बाद अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, ताकि अच्छा सा कलर आए। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च। और अब इसके बाद थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर। और अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके तेल छोड़ने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो रखना है और लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से कुक करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें कंटिन्यू चलाना है ताकि मसाला बिल्कुल भी लगे ना। और अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना, जितना नमक खाते हो उतना डाल सकते हो। तो ये गया हमारा नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1/2 चम्मच डाला है। और इस तरीके से हम मसालों को धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। मसाला हमारा जब बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा तो पैन छोड़ने लगेगा इस तरीके से, देखिए। और इस तरीके से सिमटने लगेगा। और मसाला आपका जब अच्छे से भुन जाएगा तो उसमें एक प्यारी सी खुशबू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कंटिन्यू जैसे मैं चला रही हूँ उसी तरीके से चलाते हुए आपको इसे अच्छे से भूनना है। और इसमें जो मूँगफली का टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास मूँगफली ना हो तो आप काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। और यहाँ पे देखिए पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे हमें इससे ज़्यादा मसाले को नहीं भूनना है, मसाले को काला नहीं करना है, नहीं तो ग्रेवी का जो कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया है तब इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी बड़ी, अगर आपकी छोटी है तो आप 2 गिलास डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए ग्रेवी का कलर कितना ज़रा प्यारा आया है क्योंकि हमने इसके अंदर मूँगफली डाली है। अगर आपके पास मूँगफली ना हो तो आप काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको 1 उबाल आने का वेट करेंगे। तो जब तक उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा सा गिर गया तो हम इसकी सफाई कर देते हैं लगे हाथ, नहीं तो ये निशान पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से उबाल आना शुरू हो गया है। अब जब उबाल आना शुरू हो गया तब हम इसके अंदर ये डाल देंगे। और इसको डाल के हमें इसको 1 मिनट तक पकाना है कवर करके। तो चलिए इसको कवर करके पका लेते हैं। उससे पहले हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। क्या है आपको बताते हैं। तो फ्रेंड वो है हमारी थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको हमने हल्का सा भून लिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पर धनिया भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम गर्म मसाला डालेंगे और लास्ट में डालेंगे। और इसको डालने के बाद इस तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब इसको हम कवर करके 2 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये कुक हो गया है। और ग्रेवी का टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है। और ये देखिए जो हमने डाला था ये बिल्कुल भी टूटी नहीं है और कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई। तो चलिए अब इसको हम सर्व करके आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं।
तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुकी है हमारी कच्चे केले की बहुत ही मजेदार सी सब्जी। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। इसके सामने आप पनीर की सब्जी भूल जाएंगे। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए कितना ज़रा सॉफ्ट है। इस तरीके से चम्मच लगा रहे हैं तो बिल्कुल अंदर तक जा रहा है। ये देखिए इसी से पता चला है कि कितने ज़रा सॉफ्ट बने हैं। ग्रेवी का टेक्स्चर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, चाहे तो मेरी तरीके से थिक बना सकते हैं, थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से रखा है, रोटी और चावल और नान के साथ किसी के साथ दिखा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको सर्व करके यानी खा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने सर्व किया है घी वाली रोटी के साथ। ये देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है, कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपने इसे कच्चे केले के साथ बनाया है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप ही बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।